में आने के लिए धन्यवाद और स्वागत। भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ समझाया है और जब तक कोई शुद्ध भक्त, निष्काम भक्त, भगवान का प्यारा, भगवान के शब्दों को समझाने वाला नहीं हो, कुछ भी समझ नहीं आता। बड़े साधु संत भारत में घूम रहे हैं, लोग कथा सुनते भी हैं, लेकिन हृदय परिवर्तित नहीं होता। हृदय परिवर्तित तब होगा जब ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं इनकी कृपा हमको मिलेगी। देखो, जो विदेशी लोग भारत की आलोचना करते थे कि हिंदुस्तानी लोग मूर्तियों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, उन्हीं लोगों को इन्होंने भक्त बना दिया। यारा सोचो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे महात्माओं की शरण लेनी चाहिए हमको। आपको अभी तो एक तो मूर्ति रूप में विराजमान है, बाकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। ये थोड़ा कि पहले थे प्रभुपाद, अभी नहीं, अभी भी हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। जैसे भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे, तो भगवान ने शब्द कहे, नत्वेवाहुं जातु नासम, ना तुम नेमे जनाधिपा, ना चैवा ना भविष्यामा, सर्वे भयम मता परम। अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, या मैं नहीं था, या ये राजे माजे नहीं थे, ये पहले भी थे, अभी तेरे सामने हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आत्मा थी, अब इन शरीरों में आत्मा है, जब इनके शरीर छूट जाएंगे फिर भी रहेंगे। तो याद रखो, उसी आत्मा को समझने के लिए कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके ये शरीर दिया हमको। इसका उपयोग केवल भगवान को समझने के लिए करना चाहिए, लेकिन हम लोग नश्वर कामों के पीछे लग जाते हैं, संसारी कामों में लग जाते हैं, और संसारी कामों से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। कल हमने वो शब्द कहे थे, उर्दू के शब्द हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रभुपाद कहते थे, सोना अगर गंदगी में भी पड़ा है ना, फिर भी वो सोना है, उसको उठा लो। सोना कभी अशुद्ध नहीं होता। तो कहा है उन्होंने, इन शब्दों को याद रखना चाहिए। तो मैं गा के आपको सुना देता हूँ, आप सब मेरे पीछे बोलो। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा कुछ भी दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लवास होगा। मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए, मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए, कोई न साथ आया कोई न साथ जाए, कोई न साथ आया कोई न साथ जाए, ये ठाठ बाठ तेरा, ये आन बान तेरी, ये ठाठ बाठ तेरा, ये आन बान तेरी, रह जाएगी मुसाफिर ये सारी शान तेरी, रह जाएगी मुसाफिर ये सारी शान तेरी। इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी, इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी, इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी, इतनी सी है मुसाफिर
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा जाए जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा। याद रखो हम सबने जाना है संसार से। मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि आपने जाना मैंने नहीं जाना मैंने भी किसी ने जाना ही नहीं। वो एक पंजाबी के शब्द हैं इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेशा नहीं इस दुनिया किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं समझ न आवे मैनू किस नाल प्यार जोड़ा समझ सब बिच राम बसदा किस वालों मुख मोड़ा सब बीच राम किस वालों मुख बिना सतसंग मेरा किसे नाल प्रेम नहीं बिना सतसंग मेरा किसे नाल प्रेम नहीं बिना सतसंग मेरा किसे नाल प्रेम नहीं बिना सतसंग मेरे मिटने कलेश नहीं बिना सतसंग मेरे मिटने कलेश नहीं आत्मा आनंद मैनु कोई भी कलेश नहीं आत्मा आनंद मैनु कोई भी कलेश मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं याद रखो इस बात को जब हम जाएंगे दुनिया से क्या साथ जाएगा। जब हम आए थे तो मेरे हाथ बंद थे बच्चे के हाथ बंद होते हैं जब जाएंगे तो हाथ खुले होंगे। किस लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कुछ नहीं के लिए। प्रभुपद कहते थे वी आर वर्किंग फॉर नथिंग कुछ नहीं के लिए काम कर रहे मिलना कुछ नहीं तो बस जीवन का यही लाभ है। जीवन काल में कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा छूटेंगे धन वजन मगर ये साथ जाएगा धन और जन सब छूट जाएंगे यहीं पर लेकिन ये भजन साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। मैं आपको जो सुनाए शब्द जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा और शब्द कहेगा जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया। सिकंदर का नाम सबने सुना है। सिकंदर जो था उसने हिंदुस्तान को लूटा भर के कहते ऊंट भर के कितना धन संपत्ति हीरे ज्वाहरात यहाँ से लेके गया। तो और ऐसा सुनाते हैं सच झूठ भगवान जाने ऐसा सुनने में आया उसने अपने समय में सारे सोने चांदी पहले सोने चांदी के सिक्के होते थे अभी सिक्के कागज़ के हैं कागज़ के नोट हैं सिक्के बने हैं तो वो उसके एल्युमिनियम के फूंक मारो तो उड़ जाते हैं बेकार सर। तो उसने सोने चांदी के सिक्के सब खजाने में भर दिए इतना लालच उसको हो गया।
तो गवर्नमेंट लोगों को सामान सप्लाई करती थी, कोई पैसे लेने देने कुछ नहीं। एक फकीर था, सोचा कितना बेवकूफ है ये, इसको कोई शिक्षा देनी चाहिए। फकीर ने एक तोहफा तैयार किया, तोहफा बॉक्स बहुत बढ़िया बना कर चला गया सिकंदर के पास। कहा, बादशाह सलामत, ये मेरा एक तोहफा खुदा को दे देना। सोचने लगा क्या कहता है, तोहफा क्या है, दिया उसको। उसने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, छोटा सा बॉक्स। उसको खोला तो बड़े कीमती कपड़े में क्या लपेटा हुआ, एक सुई। उसके अंदर सुई, कहते ये देनी है खुदा को। कहते हाँ, कैसे दूंगा मैं खुदा को, वो शिक्षा देने आया था फकीर। कहते नहीं ले जा सकता तू। कहते पागल है, कैसा कैसे ले जाऊंगा मैं, कहते नहीं ले जा सकता। उसको और गुस्सा आया सिकंदर को, उसने बुलाया अपने, धक्के मार के बाहर निकालो उसको। जब उसको पकड़ के निकाल रहे थे, कहते अच्छा तू ये सुई तो ले जा नहीं सकता, ये तेरे खजानों का क्या होगा, इतना धन तूने भर रखा है, इसका क्या होगा। तब उसका दिमाग ठिकाने आया, इसने बात तो ठीक कही। सिकंदर ने लिख दिया कि मैं जब मर जाऊं, जितना मेरा खजाना धन दौलत है मेरे साथ ले जाना, जहाँ मुझे दफनाने के लिए ले जाना, और कफिन से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होता हुए इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। बाहर उस हाथ उसके बाहर थे, और खजाना खजाना साथ साथ चला उसके। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया। जर किसको कहते हैं पता आपको, हैं दौलत को, हाँ दौलत को, नोटों को, पेटी और ट्रंक। जर सिकंदर का सारा यहां रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। लुकमान का नाम सुना है, लुकमान एक बहुत बड़ा हकीम हुआ है, कहते बड़ी हिकमत थी उसमें। वो जब उसको पता लग गया, कहते क्या हिकमत थी, वो आर्टिफिशियल आदमी बना देता था, ऐसे सुनने में आया। एक फकीर ने सुनाई थी ये बात हमको, उनको सामान खरीदने के लिए भेज देता मार्केट में, पता नहीं लगता थी असली है या नकली, ऐसा उसमें कुछ था। तो अभी जब मरने का समय उसका आया लुकमान का, उसको पता लग गया मैं मरने वाला हूँ तो क्या करना चाहिए। उसने झट अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना दिए, 100 लुकमान की लाइन खड़ी कर दी। जब 100 लुकमान की लाइन खड़ी कर दी, खुद भी बीच में खड़ा हो गया, एक ही शक्ल के 100 आदमी खड़े। यमदूत लेने आए, देखा 100 आदमी खड़ा, किसको ले जाएं, किसको छोड़ें, भागे। यमराज के पास, कहते महाराज ये जो केस दिया आपने बड़ा सीरियस है। कहते क्या, 100 खड़े हैं अंदर, किसको लाएं, किसको छोड़ें। यमराज ने कहा अच्छा, यमराज खुद आए, देखा 100 लुकमान खड़े हैं। उन्होंने एक आदमी का शक्ल बनाई और आगे खड़े हो गए। लुकमान पंजाबी था, तो वो यमराज एक आदमी के रूप में कहते हैं वाह भाई बनाने वाले, तो एक गलों खुंझ गया। कुछ यहाँ ऐसे जैसे हिंदी नहीं आते, इन्हें पंजाबी नहीं आती, उनको समझा दूँ, जैसे महाराष्ट्र से कोई बच्चे आए हैं। तो लुकमान खड़ा था उस लाइन में, ये मेरे को कह रहा है मैं कोई गलती कर दी। लाइन से बाहर आके कहता है मैं केड़ी गलों खुंझ गया, इससे गलों खुंझ गया, जो लाइन तो बाहर आ गया। मरते दम भी लुकमान यूं कह गया यह घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी, जाने की घड़ी नहीं टलेगी। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, क्योंकि सबके लिए आ रहे हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। अभी कबीर जी का एक भजन मुझे याद आया, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार
साधु बन गया है ना वो। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख सो सुख नाही अमीरी में। तो कहते जो भजन में सुख है वो अमीरी में नहीं। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी जो है उसमें पानी रखते हैं साधु, पानी कभी प्यास लग जाए पानी पी लेते हैं उसमें से, और बगल में सोटा। शब्दों की तरफ ध्यान दें कितना सुंदर कबीर जी ने लिखा है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा। साधुओं के क्या संपत्ति छोटा और कुंडी, जहां माजी जाके डेरा लगा लो, चारों दिशा जागीरी में, जागीर है हमारी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले साबूरी में, साहेब मिले मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा। साहेब कहा है भगवान को, राम जी को। साहेब कैसे मिलेंगे भगवान? विनम्रता से मिलेंगे। जब हम शरीर के स्तर पर रहते हैं, विषय विकारों को भोगते हैं, भोग विलास में पड़े रहते हैं, तो विनम्रता खत्म हो जाती है, अहंकार आ जाता है। शरीर के स्तर के जब काम करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। हमने अहंकार को खत्म करना है। हमारे एक आचार्य शिला रोतम ठाकुर कहते हैं, अहंकारी मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। या कोई भी है किसी भी चीज का अहंकार, माटी के पुतले इतना न कर तू गुमान, पल भर का है तू मेहमान, थोड़े समय के लिए तो यहाँ पर है, क्यों इतना अहंकार तो करता है। पर अगर हम लोग भक्ति में करें लगेंगे ना, भक्त बनेंगे, तो अहंकार नहीं आएगा। तो जब भक्ति करेंगे तो अहंकार चला जाएगा। भक्ति आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। इसलिए आज हम विषय विकारों में पड़े हुए हैं। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों चोला मिला तुझे इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, कीमत इस चोले मीरा ने जानी थी। उस जहर पे आले में छिपी प्रेम कहानी थी, उस जहर पे आले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे
संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा भगवान का, सारे संसार इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज घन श्याम का, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज घन श्याम का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, खाने में कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई गए, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई, विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का, विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का, ऐ राही संभल जा अब ये दुनिया फानी है, राही संभल जा अब ये दुनिया फानी है। फानी का मतलब समझते हो सब? और कोई समझता है? किसी को नहीं पता, नश्वर खत्म होने और फानी उर्दू शब्द है। ऐ राखी संभल जा अब ये दुनिया फानी है, संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है, संसार कर्मों की कहानी है। पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का, पल्ला पकड़ के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, पल्ला समझते हो नहीं? पल्ला पकड़ ले नादान रे अर्जुन की रतमान का, समझते हो नहीं? कौन समझता है? तू समझता है? हाँ जी, तुझे की समझे? भगवान का कपड़ा पकड़ लेना बस। और भगवान चाहते हैं, क्यों आते हैं पृथ्वी हमको ले जाने के लिए? लेकिन हमारे कर्म इतने खोटे हैं, तू तो कर्म करे सब खोटे, तैनू यम तैनू तू तो कर्म करे सब खोटे, यम मारेंगे सोटे, तेरे को यम दो सोटे मारेंगे, डंडे मार मार के। पंजाबी तुझे समझते भी नहीं है कमल जी? बोलते भी नहीं? अच्छा अच्छा
आज हम खुश हैं क्योंकि आप पहली बार आए मंगल आरती नहीं, दूसरी बार, दूसरी बार तो मैं, हमारे कमल जी आज मंगल आरती आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए सत्संग इस समय सुबह करते नहीं, शाम को होता है ना, लेकिन कमल जी की आने के कुछ भी मैं खुश हो गया सत्संग सुनाने। तो ये मंगल आरती इतनी ज़रूरी है कि हमारे गुरुदेव कहते थे, जब मैं उनकी सेवा में था 1975 में, वो बेचारे 2 बजे उठते थे, उठ करके अनुवाद करते थे पुस्तकों का। बड़ी तपस्या की इन महात्मा ने, मैंने आंखों से देखी, इन्होंने साथ रखा मेरे को अपने, बड़े नज़दीक से देखा इनको। इनसे पहले भी कई साधु संत देखे, लेकिन ऐसे संत नहीं मिले हमको। एक दिन तो हम इनकी सेवा में थे, 24 घंटे साथ ही रहते थे इनके, ये अंदर अनुवाद कर रहे हैं, हम बाहर बैठ के अपना जप कर रहे हैं। मंदिर में, वृंदावन के मंदिर में मंगल आरती शुरू हो गई। आरती जब शुरू हो गई तो मेरे को अंदर बुलाते हैं, घंटी बजाकर गया कि तो जाके इन मंदिर में कितने भक्त मंगल आरती में है। तो मैं गया जब, तो गिने भक्त बताया मैंने प्रभुपाद, इतने भक्त हैं मंगल आरती में। कहते जा प्रेसिडेंट को बुला, उसमें धनंजय दास नाम का एक हमारा गुरु भाई प्रेसिडेंट था वृंदावन का, वो ग्लॉस को कार्याने वाला, बुलाया, बोला कितने भक्त यहाँ रहते हैं, बताया उसने। तो सारे मंगल आरती में नहीं थे, बहुत थोड़े से थे। प्रभुपाद कहते वाई एवरीबॉडी पास नॉट इन मंगल आरती, सारे मंगल आरती में क्यों नहीं थे, मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ, पुस्तकों का अनुवाद कर रहा हूँ। गुरु महाराज कहते थे मेरे जो मंदिर हैं ये खाने और सोने के लिए नहीं है, ये साधना करने के लिए है, भक्ति करने के लिए है। संत तो भक्ति की कीमत जानते हैं ना, हम संसार में खोए हुए लोग इसको नहीं समझते। एक को मैंने कहा मंगल आरती क्यों नहीं आते, कहते हैं हफ्ते में एक बार आता हूं। उस व्यक्ति को ये पूछो तो भोजन हफ्ते में एक बार करता है या रोज करता है, भोजन तो रोज करेंगे, और ये शरीर कैसे चलता है, हाथ खड़ा करो जिसको आता है, शरीर कैसे चलता है तेरे को बताया जब, मैंने पूछा थोड़ा बड़ा तेरे को आता है, आत्मा आत्मा कर रहा है, हंसते हो। ये लोग कई बार पता क्या कहते हैं, शरीर भोजन से चलता है। मैं कहता हूँ मरे हुए को खिलाओ भोजन और चलाओ, चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा भोजन है, फिर उसको ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, नहीं चलेगा। ये शरीर आत्मा से चलता है। हमारे बापू गांधी ने 70 दिन तक व्रत रखा था, कुछ नहीं खाया था, मरा नहीं, इसलिए रखा था कि पाकिस्तान को पैसे दो 50 करोड़। हमारे बापू पाकिस्तान के बड़े प्रेमी थे, बापू गांधी जी महाराज बापू है ना देश के, वो राष्ट्रपिता। 70 दिन तक कुछ नहीं खाया, मरे नहीं, इसलिए अपना भला समझो भाई, आपका भला। अभी देखो जो 2 दिन भोजन नहीं खाएंगे कमजोरी हो जाएगी। अरे जिससे शरीर चल रहा है उसका तुम्हें ध्यान ही नहीं है, आत्मा को उसकी खुराक जरूर देनी है। और याद रखो गुरुदेव ने कहा है कि दिन की शुरुआत मंगल आरती से होती है। अगर शुरुआत दिन की अच्छी नहीं हुई दिन अच्छा नहीं होगा। अब मंगल आरती नियम से आओ, ये प्रभुपाद का कहना है। मैं उनके द्वार का कुत्ता हूं और मैं भौंकता हूं अपने गुरु के लिए। गुरुदेव ने जो मुझे शिक्षा दी वो मैं आगे तक, अभी देखो यहाँ एक मंदिर बना रखा है, कोई मंगल आरती नहीं वहाँ पर। प्रभुपाद ने बड़ी ज़रूरी कही है मंगल आरती। प्रभुपाद कहते हैं मुझे भी, और ये भी प्रभुपाद ने लिखा था, वो लेटर प्रिंटेड है, उनके हाथ का लिखा हुआ,
उन्होंने अपने करकमल से लिखा था कि जो मंगल आरती नहीं आए वो भोजन नहीं करे, व्रत रखे। और मंगल आरती को कितना जरूरी, प्रभुपाद ने कहा अगर कोई चल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, इतना कमजोर हो गया, वो घसीटते हुए जाए, इफ वन कैन एंड वॉक टू द मंगल आरती शुड क्रॉल टू द मंगल आरती, इतना जरूरी है। हम बार बार बोलते हैं, लोग सोचते हैं हमारा कोई लाभ होगा, हमारा लाभ ये होगा हमारे गुरु जी खुश होंगे, वो खुश हो जाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। लाभ भले मानसो आपका होगा, अपना लाभ सोचो, आपका लाभ सोए रहने में नहीं है या मन के स्तर पर चलने में नहीं है, आपका लाभ प्रभुपाद ने जो कहा उस पर चलने के लिए है, उसके अनुसार चलोगे तो जीवन सफलता के पथ में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, नहीं तो पता नहीं मृत्यु द्वार पर खड़ी है। एक सरदार जी का वीडियो कमल जी आपने देखा, आपको भेज देना इनको, देखा नहीं, वो लेक्चर कर रहे हैं, प्रवक्ता बने हैं, बोल रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार, नानक जी ने कहा सब दुनिया दुखी है, तुसी की सोच दो कि अमरीका जाके लोग सुखी हो जाएंगे, ये शब्द कहे उन्होंने और वहीं लुट के हारमोनियम पर गिरे, मृत्यु हो गई उनकी वहीं पर। अरे आचरण करो, मन पर कंट्रोल करो, जब आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है दूसरों को क्या उपदेश देते हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर अचरे हैं ते मन ना घनेरे। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद के शब्द हैं, वन फूल कैन मेक सो मैनी पीपल फूल। तो दूसरों को उपदेश देते हो, खुद तेरा मन तेरे कंट्रोल में है नहीं, क्या भक्ति करोगे, क्या तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, अंत समय मन तुम्हें भटकाएगा, नरक में ले जाएगा। समझो इन बातों को, मन में जो दुविधा है तेरे ही कर्म है, विषयों का जो सेवन कर रखा है उसके कारण मन इतना कुंठित है। लेक्चर बड़े बड़े झाड़ने से कुछ नहीं होता, इस मन को नियंत्रण करने से ही कुछ कल्याण होगा, नहीं तो अंत समय जब आ जाएगा तो मन भटकेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। अभी देखो मैंने बात सुनाई थी हरिदास ठाकुर की, हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं जा रहा हमारे मन से। हरिदास ठाकुर जी को जब जल्लाद कोड़े मारने लगे तो हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं प्रभुपाद के शब्दों को कहते हैं, हे माय गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, मेरे भगवान इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखो कोड़े मारने वालों को, जब गौर भगवान आगे उनको मारना चाहते तो हरिदास जी क्षमा कर रहे हैं, भगवान कैसे मारते। तो भगवान गौर हरि ने हरिदास जी के शरीर में प्रवेश कर लिया, सारे कोड़े अपने ऊपर ले लिए। जब गौर भगवान का महाप्रकाश हुआ, वो तो कृष्ण हैं स्वयं गौर भगवान, जय ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जो गौर हैं वही कृष्ण हैं वही जगन्नाथ हैं। तो गौर रूप में हम कलयुग के पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। तो गौर भगवान अभी कृष्ण बन गए, कृष्ण तो थे ही, वो विष्णु सिंहासन पर बैठ के कहते मेरा अभिषेक करो, सलाह वो भक्त ने भागने लगे कि निमाई जो है कृष्ण है कृष्ण। तो सबको भगवान वर दे रहे हैं, वर मांगो, किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसमें अद्वैताचार्य ने एक बार क्या मांगा था सब याद रखो, अद्वैताचार्य को बोला, बोल नाड़ा, नाड़ा शब्द इस्तेमाल हुआ, क्या चाहिए तुम क्या वर, कहते हे महाप्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दो, कलयुग में कोई कितना भी पतित होगा वो आपकी कृपा से वंचित ना हो, उसे आपकी कृपा जरूर मिले। कैसा वर मांगा आदमी, हम अद्वैताचार्य के बड़े आभारी हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ये जो गौ मांस भक्षी विदेशी जो हैं, ये जो योनि लंपट जो विषयों में जिनका जीवन रहा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, वो भक्त कैसे बने, अद्वैताचार्य की कृपा से, गौर कृपा से भगवान ने वर दिया है अद्वैताचार्य को, गौर भगवान ने वर दिया है, कोई कितना भी पतित क्यों ना हो वो भी अपना कल्याण कर सकता है गौर कृपा से। लेकिन कल्याण करने का मन तो बने, हम मानसिक स्तर पर लुटक रहे हैं, प्रवचन झाड़ दिया तो उससे क्या होगा,
व्यासासन पर बैठ के उससे क्या होगा, मन ही बस में नहीं है, मन के हम अधीन हैं, हमें तो भगवान के अधीन होना है। अर्जुन ने भी कहा, अर्जुन जैसे का मन अधीन नहीं हुआ, हमारा मन अधीन कहाँ होगा। अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथी बलभद्रणम तस्या हम निगर हम मन ने वायु रेव सदुष्करम। हे कृष्ण, कौन बोल रहा है, ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे वश में करें, वायु को कोई भले वश में कर रहे लेकिन मन वश में नहीं होता। भगवान ने क्या कहा, छठे अध्याय में है ये। भगवान ने कहा, ये शब्द याद रखो, संशयम महाबाहो मनो दुर्नीग्रहम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, ये मन को वश में करना बहुत कठिन है। ये शक्तिशाली अर्जुन, इस मन को बस में करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान ने, भगवान भी जब कह रहे मन को बस में करना कठिन है तो कैसे होगा, दो बातें भगवान ने कही हैं, अभ्यास ही ना तू कौंतेया वैराग्य न जागृहयते। अभ्यास करो, बार बार मन के, मन को भगवान के चरणों में लगाओ, एक दिन लग जाएगा। अब जब मन बस में नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। जैसे वो शब्द है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे नर अचर हैं ते नर ना घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं पर जो अचर न करते हैं ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं। ऐसे चरण करने वाले ये संत बैठे हैं यहाँ विकरार रूप में प्रभुपाद, जो लोगों को कहा वैसा ही अचरण था इनका। प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे, अंग्रेजी में कहा था उन्होंने, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, मेरे में मन में कोई भोग की इच्छा नहीं है, तभी सारी दुनिया मेरे पीछे चल रही है। कुछ बेवकूफ अगर मेरे पीछे चल पड़े इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विषयों से मुक्त हूँ, नहीं। तो कुछ लोग, प्रभुपाद कहते हैं, वन कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, वन कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हम कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, पर हम सभी लोगों को सदा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। जब किसी को समझाया जाए ना, आज कैसे लोग अपने शत्रु बने हैं, अगर हम महाराज के पास गए तो क्या कहेंगे, ये किया ये किया, अरे भाई तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। जब हम इंद्रियों का सेवन करते हैं ना, किसी को कहो अब पहले करते थे अभी तो नॉर्मल, अभी हम ठीक है अभी नहीं करते, अरे पहले जो किया उसका तो पाप भोगना पड़ेगा ना, बुद्धि तो मलिन है उससे। हाँ मैं कत्ल करता था पहले, अभी छोड़ दिए कत्ल करना, कत्ल तो किया तो पाप तो भाई भोगना पड़ेगा उसका। जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे, भगवान की शरण में नहीं आओगे, उनके चरणों में अपने जीवन की डोरी नहीं सौंपोगे तो नहीं होगा, समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। प्रभुपाद नहीं चाहते कोई भी पछताए, मैंने देखा उनसे, उनको सबकी चिंता थी, उन्होंने कोई जाति भेद रंग भेद कोई लिंग भेद सबकी चिंता करते थे। प्रभुपाद ने ये भी कहा कि एनी वन हु प्रीच टू द मुस्लिम्स आई विल टेक द डस्ट ऑफ हिज फीट, जो मुसलमानों को प्रचार करेगा मैं उसके पाँव की धूल ही लूंगा, ये शब्द कहे उन्होंने। तो संत जो है ना, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं, सबको सब पर कृपा देते हैं, ये ऐसे संत हैं प्रभुपाद। हरिदास जी क्षमा कर रहे हैं जल्लादों को मारने वालों को। तो जब हमारे मन में द्वेष है ईर्ष्या है तब तक हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ रहे। ईर्ष्या और द्वेष, प्रभुपाद जी को पूछा एक भक्त ने, प्रभुपाद वी कम टू मंगल आरती वी चांट हरे कृष्णा वी डू सम सर्विस, मंगल आरती में आते हैं हरे कृष्ण का जप करते हैं सेवा करते हैं, हम कैसे सोचें कि भक्ति पथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने दो बातें कही हैं, एक ईर्ष्या और दूसरा स्त्री आकर्षण, ये या तो कम हो रहा है, समाप्त होना मतलब भगवान से मिल लिया हमने, अगर कम हो रहा है समझो कि ये भक्ति में प्रगति हो रही है। अगर ये बने हो गए हैं, ईर्ष्या बनी हुई है, स्त्री आकर्षण बना हुआ है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही, और एक पथ पर बिना कुछ किए प्रगति हो रही है, मृत्यु के पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मृत्यु निकट आ रही है,
उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, मेरे पीछे सारे बोलो, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाती है, मृत्यु एक दिन द्वार पर आके खड़ी हो जाएगी। तो प्रभुपाद की इच्छा सब भगवत प्राप्ति करें। प्रभुपाद ये भी कहते थे, फिर से जन्म लेने का मत सोचो, जब मनुष्य का भी जन्म होगा कलयुग खराब होता जाएगा, आगे आगे भक्ति करने के साधन कम होते जाएंगे, इसी जन्म में भक्ति करो। मंगल आरती से बात शुरू की थी, मंगल आरती में जरूर आओ, ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। मुझे पर्सनली ये शिक्षा उन्होंने दी, मंगल आरती और जप करना बहुत जरूरी है। जप मैंने कल भी कहा था कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। मेरे बुरे कर्मों के कारण यमराज के पास खाता खुल गया है, लेकिन जप करने से वो खत्म हो जाएगा खाता। अरे जिगाई मदाई कितने पापी थे, नित्यानंद भगवान की कृपा मिली उनको, जिगाई मदाई शुद्ध जगदानंद और माधवानंद भक्त बन गए, बड़े भक्त बन गए। हीराबाई वैश्या थी, हरिदास ठाकुर जी की कृपा से परम साध्वी वैष्णवी बन गई वो। भक्ति पथ में आगे बढ़ो। और मैं श्रीमान कमल लालमिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे दो तीन बार कहने से वो मंगल आरती आए, पहले कल नहीं आ पाए, कल मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कल कमल जी भी आ रहे हैं, कहते महाराज मैं जरूर रहूँगा, और आज आ गए। और प्रभुपाद इनको शक्ति दें, राम भगवान के ये भक्त हैं, राम जी इनको शक्ति दें कि मंगल आरती कभी मिस ही ना करें। और आज अनुभव कर लेना, दिन में अनुभव की बात है, जैसे हम भजन गाते हैं ना, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम यही करामात है जी, यही करामात है, नाम के प्रताप से अजा मिल तर गया, नाम के प्रताप से गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। कहा के नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गनिका तर गई, सुदामा तर गया, कोई तरे होंगे मैंने तो नहीं देखे। भजन में कहा है, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके कोई राम नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से, गौर नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से, गौर नाम लेने से तेरा बेड़ा पार, यही करामात है जी, यही करामात है। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, यहां भक्ति के अलावा जो कुछ भी है ना सब झंझट है। झंझट में क्या मिला, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया, इज्जत आओ शरण राम की, देखो बाजी मात है, आओ शरण राम देखो बाजी, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम अरे प्रभुपाद सच्चे संत, सच्चे महात्मा, सच्चे वैष्णव, सारी दुनिया को अनुभव करवा दिया उन्होंने, गोरों को अनुभव करा दिया, आज गोरे प्रभुपाद जी के लिए पागल हैं। जो हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करते थे वो आज मूर्तियों की इतनी अच्छी पूजा कर रहे हैं सोच नहीं सकते। एक ईरान की महिला मिली हमको, मुस्लिम महिला, कहती मैं भारत से राधा कृष्ण की मूर्तियाँ लेके जा रही हूँ, मूर्तियाँ लेके गई वो राधा कृष्ण की, ये प्रभुपाद जी का प्रभाव, बस इनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाओ और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओ, पता नहीं कहाँ क्या बम विस्फोट हो जाए आप नहीं जानते हैं। हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं, कब ये फट जाए नहीं जानते, लेकिन अगर हम भक्ति का प्रचार करेंगे, निष्काम भक्ति,
सकाम नहीं निष्काम। अभी जैसे हमारे दादा गुरु ने कहा, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जने रे घरे, हरि नाम केवल कई तब। दुष्ट मन तो कैसा वैष्णव है, तुम अकेले में बैठ के भजन कर रहा है, ये तेरा दिखावा है खाली, तो लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। अरे दिखावा नहीं करना, लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाना, जाड़े रा प्रतिष्ठा सुख रे रा विष्ठा। अगर कोई अपने भक्ति प्रगति करना चाहता है, अगर वो प्रतिष्ठा चाहता है, लाभ चाहता है, तो उसका लाभ प्रतिष्ठा दादा गुरुदेव बता रहे हैं ऐसे जैसे सुअर की गंदगी, सुअर गंद खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी हो गई, गंदगी का गंद बना हुआ है। हमें तो प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रयास करो, धीरे धीरे भक्ति आएगी, अद्विताचार्य की कृपा से गौरता की कृपा मिलेगी, गौर भगवान की कृपा मिलेगी। नित्यानंद भगवान ने जब देखा कि ये दो पापी जगाई मदाई, उन्होंने सोच लिया मैं अपने भगवान से गौर भगवान से इनका उद्धार करवाऊंगा, तब सारी दुनिया मेरे भगवान को जानेंगे कि गौर भगवान कितने दयालु हैं। जय ही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। ये देखो, ये आप छठ बुजुर्ग दिखाया था नित्यानंद भगवान को, गौर भगवान ने दो हाथों में धनुष मान लिए हैं, दो हाथों में मुरली, दो हाथों में दंड और कमंडल, कि मैं ही गौर हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। ये बहुत दयालु हैं, इनकी शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आज का सत्संग जो है, कमल जी को हमारी छोटी सी भेंट दी है, अभी मंगलारती आपके मिस नहीं हो, बस बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को, मन में नहीं कोई बात रखना, मन में कोई शंका है तो उसका समाधान करना। कोई किसी माता को कोई शंका, किसी पिता को कोई शंका, हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई।